Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी के सामने सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा के साथ अब छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के लिए आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा जो 2017 तक केवल 50 अंक के हुआ करते थे, नवीन पाठ्यक्रम में संस्कृत को हटा दिए जाने के पश्चात वह 50 अंक जो है वह हिंदी भाषा में जोड़ दिए गए, परंतु छत्तीसगढ़ी अभी तक 50 अंकों पर ही बना है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो सभी बच्चों को बहुत कठिन लगती है, इसके पीछे कारण यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य जितने राज्य की सीमा दायरे को छूता है उतने राज्य की बोली और भाषा के शब्दों को मिलाकर चलता है। तमाम प्रकार के वो सारे भाषागत प्रयोग प्रभाव जो हिंदी भाषा में देखने को मिले छत्तीसगढ़ी भाषा में भी विद्यमान है, परंतु छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब भी प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य तौर पर व्याकरण पर ज्यादा फोकस किया गया था। 2016 और 17 के पेपर को देखेंगे तो विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरणिक पक्ष ज्यादा मायने रखते थे। जहां छत्तीसगढ़ साहित्यकार और उसकी रचनाओं से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में थे, इससे 5 नंबर के प्रश्न आपको हिंदी में भी पूछे जाते रहे हैं। लेकिन 2018 का प्रश्न पत्र देखा जाए तो वहां पर अंक साहित्यकारों में से बढ़ गए थे। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पत्र के विश्लेषण में 2016-2017 में पूछे गए प्रश्नों के साथ नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर 2018 में यह किस प्रकार परिवर्तित हो गया इसकी चर्चा करेंगे। 2017 तक केवल छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ ही पक्ष थे जो व्याकरण के थे, जिसमें छत्तीसगढ़ी हिंदी समानार्थी, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन और विलोम शब्द के साथ साहित्य खंड के प्रश्नों के साथ साथ बोली भाषा पर संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते थे और साहित्यकार से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते थे, और एक पक्ष हुआ करता था छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दों का। लेकिन नवीन पाठ्यक्रम में जब यह पाठ्यक्रम आया तो पहले सिलेबस में होता था छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, उसका उद्भव, लेकिन जब नवीन पाठ्यक्रम आया तब यहाँ छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आकाशवाणी, सिनेमा, दूरदर्शन और पत्रकारिता का योगदान पूछा गया। साथ में यहाँ पर विशेष तौर पर क्रिया और काल को स्पेसिफाई किया गया, संज्ञा सर्वनाम यानी कि विकारी और अविकारी शब्द को स्पष्टीकरण कर दिए गए, और साथ में छत्तीसगढ़ साहित्य की विकास यात्रा, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य को भी पूछा गया। तो आखिर इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उसका उत्तर लिखा जाए, चूंकि यहाँ एक ही प्रकार की छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती, इसलिए मानक तौर पर जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उसी मानक छत्तीसगढ़ी के शब्दों को ही हम वहाँ पर उत्कृष्ट मानेंगे और उसके प्रयोग को ही सही माना जाएगा। हम चलते हैं यहाँ 2016 में पूछे गए छत्तीसगढ़ी के 50 नंबर के प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके दो पक्ष हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से संबंधित प्रश्न है, यानी कि यहाँ दिया है छत्तीसगढ़ी के समानार्थी शब्द का
लिखना है आपको जो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। हिंदी के शब्दों का छत्तीसगढ़ ही नाम लिखना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर हम मक्खन को क्या कहते हैं, मंडप को क्या कहते हैं, कमर को क्या कहते हैं, अगरबत्ती को क्या कहते हैं और रबी की फसल को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि अगरबत्ती को छत्तीसगढ़ी में उदबत्ती, कमर को कनीहा, मंडप को मड़वा, मक्खन को लेवना और रबी फसल को ओन्हारी कहा जाता है। इसी का दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष में दिया है कि यहाँ छत्तीसगढ़ी के शब्द दिए हुए हैं, इस छत्तीसगढ़ी शब्दों का हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है कि यहाँ पर आकाश दिया छत्तीसगढ़ी में हिंदी में क्या कहलाता है, तो इसे आकाशदीप कहते हैं। अरम पपई पपीता को कहा जाता है, घुघुआ उल्लू को कहा जाता है, चुंडी बाल या केश को कहा जाता है, तो छेरी बकरी को कहा जाता है। ये जो दो प्रश्न है जो आपके 10 नंबर के हैं, पूरी तरह से आपको 10 नंबर दिलाएगा जब आप इसका उत्तर सही लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आप एक हिस्सा पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, जिसे आप बीजहा कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो उसका संरक्षण किया है उससे आप उस शब्दों को प्राप्त कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो वर्तमान समय में लुप्त होने लगे हैं, छत्तीसगढ़ शासन के बीजहा कार्यक्रम के तहत ये सारे शब्द आपको मिलेंगे, जिसमें शरीर के अंगों के नाम, जानवरों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि हर एक कृषि से संबंधित हर एक पक्ष जो है शब्द कोश में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ी शब्द कोश से संबंधित 10 नंबर का प्रश्न आपको 2016 में पूछा था। इस छत्तीसगढ़ी शब्द कोश में से ही एक और पक्ष लिया, जहाँ इसमें मैच द कॉलम दे दिया है, संबंध निरूपित कीजिए। यहाँ पशुओं के शावकों का नाम लिखा गया है, जैसे पठरू, पड़रू, पठिया और पड़िया, और हिंदी में लिखा है कि वह कौन सा है, पठरू भैंस का नर बच्चा, पठरू पड़रू बकरी का मादा बच्चा, पठिया बकरी का नर बच्चा और पड़िया भैंस का मादा बच्चा। तो ध्यान रखेंगे कि इसको मैच करना है कि पठरू आखिर किसे कहते हैं, पड़रू किसे कहा जाता है, पठिया किसे कहा जाता है और पड़िया किसे कहा जाता है। यह भी आपके छत्तीसगढ़ी शब्द कोश से। अंक की बात करें तो ये 2 नंबर का है, अंक की बात 2 नंबर का है, तो अब देखिए 12 नंबर तो केवल आपको छत्तीसगढ़ ही शब्द कोश से प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में परिवर्तित कीजिए। यहाँ दिया है बछिया और संजनी, ये आपका फेमिनाइन जेंडर में है जिसको मस्कुलर जेंडर में चेंज करना है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रश्न जो 2 नंबर के हैं आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा विलोम शब्द पूछा है। अब एक चीज क्लियर कर दूं, विलोम शब्द पहले से निर्धारित होते हैं, जहां विपरीत लिंग भी होता है विलोम शब्द भी होता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता के अनुसार विलोम शब्द हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग और सफिक्स के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सत्य का विलोम बनाने के लिए हम अ उपसर्ग लगाकर असत्य कह सकते हैं, वैसे ही पंडित का विलोम शब्द पाखंडी तो है परंतु स्त्री सूचक बनाने के लिए आइन प्रत्यय लगाकर हम पंडिताइन को भी निर्मित कर सकते हैं। इसलिए विलोम शब्द को ध्यान रखेंगे कि विलोम शब्द छत्तीसगढ़ी में कुछ निर्धारित हैं, कुछ विलोम शब्द स्वतंत्र हैं, कुछ विलोम शब्द उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं और कुछ विलोम शब्द लिंग के आधार पर निर्धारित हैं, तो वो आपको याद करना होगा। अगला देखा जाए तो समासिक शब्दों के प्रकार बताइए। छत्तीसगढ़ी में कभी भी समास विग्रह करने के लिए नहीं पूछा है, इसलिए कभी भी वहां पर समास विग्रह करने की कोशिश ना करें। प्रश्न ने क्या कहा है, निम्नलिखित समासिक शब्दों के प्रकार बताइए, घर रखा और पचहर। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कौन से समास का प्रकार है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के विग्रह की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समास का नाम लेना है। जैसे पचहर बोला तो आप यहाँ पर द्विगु समास लिखेंगे तो आपके पूरे 1 नंबर आपके बनते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ दिया है,
छत्तीसगढ़ के व्याकरण से दिया है। तो 2016 और 2017 में कभी भी मेंशन नहीं किया था कि व्याकरण से क्या क्या पक्ष है जो पूछा जाएगा, उसने सिर्फ लिखा था छत्तीसगढ़ी व्याकरण। उसके अंतर्गत विकारी शब्द भी आते हैं, अविकारी शब्द भी आते हैं, तमाम प्रकार के व्याकरणिक पक्ष आते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ी में 20 की संख्या को क्या कहते हैं, तो यह संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत है। यदि हम इसे समूहवाचक संख्या कहें तो 20 के समूह को कोरी कहा जाता है, और इसी तरह संख्यावाची विशेषण में अगर हम देखें तो एक कोरी बोर कहता है तो वो हमारे लिए क्वांटिटी 20 की होगी, ठीक है। असढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, अब देखिए प्रत्यय पूछा गया है तो असाढ़ में इया प्रत्यय लिखने से असढ़िया हुआ, तो उत्तर कैसे लिखेंगे। यदि इसके बगल में जगह दिया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसके प्रश्न को दिया है तो छत्तीसगढ़ी में 20 की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसके नीचे यदि लाइन दिया है तो कोरी लिखेंगे। असढ़िया में कौन सा प्रत्यय है तो वहां पर इया प्रत्यय लिखेंगे, लेकिन यदि लाइन नहीं दी गई है तब हम यहाँ डैश लगाकर उसके बगल में उसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब प्रश्न पत्र आपका उत्तर पुस्तिका दी जाती है तो पहले प्रश्न में जितना लाइन दिया गया है उसके अंदर ही आप लिखें, दूसरे प्रश्न के ऊपर अनावश्यक जो है लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे में कॉपी आपकी खराब दिखने लगती है। और तीसरी बात, प्रश्न पत्र की जो पुस्तिका है यदि उसका अंत का हिस्सा जगह छूटा है तो कोशिश करें कि उसमें लिखें, लेकिन आवश्यकता ना हो तो अनावश्यक वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे ध्यान रखें कि जहां जो जगह निर्धारित किया गया है उत्तर लेखन के लिए वहीं लिखें, अनावश्यक जगहों पर ना लिखें, साथ ही अनावश्यक अंडरलाइन करने की यानी कि रेखांकन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ी मुहावरा कान नाक नहीं जनाना का अर्थ बताइए। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के पूर्वी उपबोली का नाम बताइए। अब देखिए यहां तक तो उसने व्याकरण पक्ष पूछा, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ की पूर्वी उपबोली, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव पूर्वी हिंदी से माना जाता है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां इसकी सहगामिनी बहने मानी जाती, सहभागिनी मानी जाती हैं, तो वो है अवधी और बघेली। तो पूर्वी हिंदी के एक उप बोली का नाम बताइए कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ तो है ही पूर्वी हिंदी के सदस्य, इसकी दो बहने हैं अवधी और बघेली। यहाँ पर केवल एक का नाम पूछा है, इसलिए या तो आप अवधी लिखिए या आप वहां पर बघेली लिखिए, अनावश्यक दो तीन लिखने की जरूरत नहीं है। मुहावरे के साथ साथ यहाँ छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का भी प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर वाक्य प्रयोग करने नहीं बल्कि इस लोकोक्ति का अर्थ मात्र लिखने के लिए मुहावरे की तरह दिया गया है। यहाँ विकारी शब्द से प्रश्न पूछा है बर्दी और गोहड़ी में कौन सी संज्ञा है, तो जहां समूहवाचक संज्ञा होती है कि जानवरों का समूह कहलाती है बर्दी, तो बर्दी और गोहड़ी जो दोनों शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उराव किस भाषा परिवार से है, ये आप छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत तमाम प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। इसी छत्तीसगढ़ जीएस में से आर्ट एंड कल्चर और लैंग्वेज वाला पार्ट आप छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ते हैं, कला और संस्कृति जो पढ़ते हैं आप छत्तीसगढ़ी भाषा, कला और संस्कृति उसका एक हिस्सा आप छत्तीसगढ़ी भाषा में भी पढ़ते हैं। तो जब छत्तीसगढ़ी भाषा में पंचमुखी वर्गीकरण आपको बताया जाता है तब बताई जाती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी भाषा परिवार का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ उराव जो है वह हमारे द्रविड़ भाषा का सदस्य माना जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, यह भी छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत आता है। हिंदी कहावत जैसी करनी वैसी भरनी का छत्तीसगढ़ी में
क्या अनुवाद होगा कहता है, तो यहाँ मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ लिखने कहा गया था, अब यहाँ छत्तीसगढ़ी के मुहावरा और लोकोक्ति का हिंदी के मुहावरा और लोकोक्ति से मेल करते हुए उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। देवदास बंजारे किस छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के नर्तक थे? मैंने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का, छत्तीसगढ़ी भाषा कला और संस्कृति का एक हिस्सा आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो देवदास बंजारे इनका संबंध किस लोक नृत्य से माना जाता है, तो यह आपकी कला संस्कृति का प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है। अगला देखें तो निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों के छत्तीसगढ़ी रूप निर्दिष्ट कीजिए। प्रशासनिक शब्द क्या होते हैं? शासन के नियमों के दायरे में प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रशासनिक शब्द कहा जाता है। चूंकि छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत वर्णाक्षर रूपांतरित होते हैं, यहाँ अवधि और बघेली के प्रभाव से शब्द के जो स्वरूप हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ संयुक्ताक्षर प्रयोग नहीं होते, अर्धाक्षर प्रयोग नहीं होते, अधिकांश तौर पर आरएफ वर्ण टूट जाते हैं, इसलिए देखा जाए तो अग्रिम नहीं बल्कि यहाँ पर अग्रिम भी हो सकता है। पावती को पौती भी कहते हैं, अभिभावक को देख रेख करैया तकैया ये भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे जब तक आपको इस छत्तीसगढ़ के शब्दों में विशेष छत्तीसगढ़ी शब्द मालूम है, जैसे कि छत्तीसगढ़ी में वेतन नहीं बल्कि अधिकांश तौर पर तनख्वाह या पगार कहते हैं, तो आप वही लिखेंगे। जब जानकारी में ये प्राप्त ना हो प्रचलित शब्द, तो जो हिंदी के शब्द हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि जब तक आपको छत्तीसगढ़ी के शब्द मालूम हैं तब तक आप छत्तीसगढ़ी के शब्द ही मेंशन करें। आवेदन भी कहा जाता है, लेकिन अधिकांश तौर पर मैं हाँ ऑफिस में अर्जी लगाए हूँ यही कहता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि जब तक छत्तीसगढ़ी के प्रशासनिक शब्द की जानकारी है तब तक हम वहाँ पर छत्तीसगढ़ी शब्द ही मेंशन करेंगे। लेकिन यदि हमें जानकारी प्राप्त ये है कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ी में हिंदी के शब्द का भी अपभ्रंशित रूप लिखा जाता है, तब हम वहाँ पर उसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अगला देखा जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ साहित्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे कि छत्तीसगढ़ी नाटककारी के लेखक का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मरजात के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ की किस लोक गायिका को 2016 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया, देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, जिसमें रचनाकार से अलावा छत्तीसगढ़ लोक साहित्य से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। इसी का दूसरा हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के फिल्म में किस कलाकार को पद्मश्री का सम्मान मिला, तो छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के पक्ष में किस किस क्षेत्र में कैसे पुरस्कार दिए जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा है। साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया उसका प्रश्न है। लोक कला के लिए छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा सम्मान जो दिया जाता है उसका नाम लिखना है। गवई के गीत काव्य संग्रह के प्रणेता का नाम, अब यहाँ पर आ जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित कि माई कोठी योजना क्या है, माई कोठी योजना क्या है, साथ में छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता का कारण क्या है, यानी अब व्याकरण से हटकर साहित्य से हटकर यहाँ प्रश्न छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा से संबंधित है कि राजभाषा आयोग के द्वारा माई कोठी योजना आखिर क्या है और इसकी भाषाई विविधता का कारण जो है वो क्या है। दो नंबर का यह प्रश्न कि भाषाई विविधता का कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य जितने राज्य के सीमा दायरे को छूता है अपने में उतने राज्य की बोली भाषा के शब्दों को मिलाकर चलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई विशेष प्रकार की छत्तीसगढ़ी एक क्षेत्र विशेष में अलग तो दूसरे क्षेत्र विशेष में अलग प्रकार की कही जाती है, परंतु इसकी भाषाई विविधता का कारण जिस तरह हिंदी भाषा में शासकों का आगमन, दूसरे भाषाओं से प्रभाव,
उसके मद्देनजर हिंदी में भाषागत परिवर्तन देखने को मिले, वैसा ही प्रयोग छत्तीसगढ़ भाषा के अंदर देखने को मिला, जिस पर संस्कृत, जिस पर अंग्रेजी और जिस पर हिंदी, तीन भाषाओं के साहित्य का, व्याकरणों का तमाम प्रकार का प्रभाव देखने को मिला। इसलिए यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी के अधिकांश नियम जो हैं संस्कृत और अंग्रेजी से मिलते हैं। संस्कृत में जिस तरह हम टेंस पढ़ते थे तीतह अंति लगाकर, हम उसी नियम को छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ते हैं। जिस तरह संस्कृत और इंग्लिश में जो क्रिया है वचन और लिंग के अनुसार नहीं बदलती बल्कि पुरुष के अनुसार बदलती है, तो छत्तीसगढ़ी में भी जो क्रिया है वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है, लिंग के अनुसार बदलती नहीं है। यहाँ पर तीन भाषाओं के प्रभाव की बात करें तो जिस तरह संस्कृत में हम तीतह अंति लगाकर काल पढ़ा करते थे, धातु लगाए, छत्तीसगढ़ी में भी वैसी टेंस को पढ़ा जाता है। और एक विशेष प्रभाव अंग्रेजी और संस्कृत का छत्तीसगढ़ी पर पड़ा कि जिस तरह अंग्रेजी और संस्कृत में क्रिया वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है, लिंग के अनुसार नहीं, वैसे ही छत्तीसगढ़ी के अंदर भी क्रिया वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है, लिंग के अनुसार बदलती नहीं है। इसलिए भाषाई विविधता का कारण अनेक राज्य की सीमा दायरे का स्पर्श और उनसे पढ़ने वाली भाषाओं के प्रभाव की वजह से एक भाषाई विविधता का कारण बनाती है। तो यहाँ आपने देखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द, साथ ही वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, समास पहचानने के अलावा विकारी और अविकारी शब्द, साथ ही मुहावरा, लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए। और एक पक्ष है जो बोली भाषा से संबंधित और दूसरा पक्ष है छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति से संबंधित। अब हम चलते हैं 2017 के प्रश्न में। क्या इसी तरह के प्रश्न 2017 में भी पूछे गए थे? 2017 में भी जब छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पत्र को उठाकर देखा गया तो दो तीन नंबर के प्रश्न यहाँ भी 2016 की तरह पूछे गए। यहाँ भी पहला प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखना है हिंदी का और हिंदी समानार्थी का छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखना है, जो 10 नंबर का आपसे पूछा गया है। लेकिन एक नया प्रयोग 2017 में देखने को मिला। इस नए प्रयोग के अनुसार हमने ये पाया कि यहाँ पर अजार और अजारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह युग्म शब्द है, यह हिंदी की तरह समोच्चारित शब्द है। जिस तरह समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट करने हिंदी में कहा गया था कि अजीर और अजर का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अजार और अजारा समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि दोनों में क्या अंतर है। अगला देखें तो छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में बदलिए। 2016 में जो स्त्रीलिंग था उसको पुल्लिंग में बदलने के लिए कहा गया था, अब यहां पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कहा गया है। और ध्यान रखेंगे कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कुछ स्वतंत्र हैं अपोजिट जेंडर कह के, लेकिन कभी कभी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए फेमिनिन सफिक्स यानी कि स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगली बात, अगला है यहाँ पर विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कि मैंने 2016 के प्रश्न में भी बताया था कि कुछ विलोम शब्द हैं जो लिंग के आधार पर भी होते हैं। जैसे यहाँ दिया है दतला, अब अपोजिट जेंडर में दतली तो हो सकती है, लेकिन यदि हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें जैसे कि भोपला, तो यदि आप दतला लिखते हैं जिसका अपोजिट जेंडर आप दतली लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू वो जेंडर है, लेकिन दतला का यदि आप भोभला लिखते हैं तो भी आपको अंक जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह समासिक शब्द के प्रकार बताइए। दिया बरैया और सारा जावर में कौन कौन से समासिक शब्द है? सर दिया बरैया, दियाला बारे वाला, यानी कि यह हमारे लिए कर्म तत्पुरुष हुआ। और सारा जावर यदि कहता है तो चूंकि दो शब्द अलग अलग हैं, एक योजक चिन्ह से जुड़ा है, साथ ही यह एक समूह के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है जहां दोनों पद प्रधान हैं, तो द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए कहता है, तो यहाँ फिर से आपको जो प्रश्न है वह पूछा है भाषा से और व्याकरण के अंदर से। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है आपको प्रश्न, छत्तीसगढ़ी की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बोली का नाम बताइए। उत्तर पश्चिमी मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर और पश्चिम की तरफ कौन कौन सी बोली है जो प्रयोग की जाती है। फिर से भाषा परिवार बोली उपबोली का पक्ष आया। मनखे का बहुवचन रूप बताइए, यानी कि यहाँ वचन परिवर्तन से संबंधित प्रश्न हुआ। मुहावरा पूछा गया, साथ ही हार प्रत्यय लगाकर छत्तीसगढ़ी के दो शब्द। अब ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी में भी उपसर्ग और प्रत्यय हैं, लेकिन हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय की तरह हम यहाँ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हार कहा, अब यदि यह हमारे लिए हिंदी है तो हम होनहार कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो प्रहार कह सकते हैं, विहार कह सकते हैं, आहार कह सकते हैं, जो उपसर्ग प्रत्यय से निर्मित है। लेकिन चूंकि यह प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ी का है, तो जब तक छत्तीसगढ़ी के शब्द मौजूद हैं हम हिंदी के शब्दों को मेंशन नहीं करेंगे। इसलिए पनिहार, बनिहार, भूतिहार जैसे पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ी शब्दों को ही वहां पर आपको लिखना होगा। छत्तीसगढ़ी में बोले जाने वाली द्रविड़ परिवार की एक बोली या भाषा का नाम बताइए। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली से पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको पूछा गया है, जो अगला प्रश्न वो है आपके प्रशासनिक शब्दों से। दैनिक भत्ता, स्थानांतरण, प्रवेश, अवकाश, हस्ताक्षर, आवेदक, प्रतीक्षा और आदेश, ये प्रशासनिक शब्द हैं। अब यदि वो आवेदक कहता है, जो आवेदन प्रस्तुत करता है, तो अर्जी देवैया हो सकता है, ठीक है। यदि वो प्रतीक्षा कहता है, तो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आरएफ वर्ण टूट जाते हैं और जो वर्णाक्षर हैं अवधि और बघेली से प्रभावित होकर अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रतीक्षा यदि हम कहें तो प्रतीक्षा भी बोल सकते हैं या फिर अगोरना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण मतलब जगह बदली भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रवेश कहता है तो प्रवेश को छत्तीसगढ़ी में खुसरना बोलते हैं, खुसरना कह सकते हैं या प्रवेश कह सकते हैं। हस्ताक्षर कहता है तो हस्ताक्षर को हस्ताक्षर भी कह सकते हैं या इंग्लिश का वो साइन भी यूज करता है, लेकिन देखा जाए तो हस्ताक्षर ही कहेंगे, ठीक है। अगला है साहित्य खंड से प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला की कथा कहाँ से ली गई है। मतलब अब इस साहित्य के अंतर्गत ना केवल रचनाकार न उनकी रचनाएं, बल्कि साहित्य के अंदर उनसे संबंधित प्रश्नों का दायरा बढ़ाते हुए पूछा गया है कि सुंदरलाल शर्मा की दान लीला, क्योंकि पहले पूछता था कि सुंदरलाल शर्मा के खंड काव्य का नाम बताइए या सुंदरलाल शर्मा के प्रबंध काव्य का नाम बताइए या दान लीला के रचनाकार का नाम बताइए, परंतु यही अब आपको घुमा कर ये पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है। तो यह छत्तीसगढ़ की जो दान लीला है वह राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित रास लीला से लिया गया। चंदा अमृत बरसा इसके लेखक कौन है और छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर से बोली उपबोली से संबंधित प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग कार्यालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। खूबचंद बघेल के किसी एक नाटक का नाम आपको लिखना है, यानी कि वह केवल साहित्यकार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ साहित्य में जो राजभाषा आयोग है उसको भी धीरे धीरे उसने शामिल करना शुरू किया। दूसरा प्रश्न का इसी का पक्ष है जो आपके 5 नंबर के थे कि छत्तीसगढ़ ही सेवक के संपादक का नाम, यह छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता से संबंधित है। नाचा के भीष्म पितामह, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म, यानी 2017 के प्रश्नों में यदि देखा जाए तो दूरदर्शन, आकाशवाणी, रंगमंच, इन सभी से थोड़े थोड़े प्रश्न धीरे धीरे उसने डालने शुरू किए। और देखा जाए तो यहाँ छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का 5वां प्रांतीय सम्मेलन 2017 में कहाँ किया गया था, यानी कि पूरा बल छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित प्रश्नों पर उसने दिए थे।
छत्तीसगढ़ी राजभाषा का बीजहा कार्यक्रम क्या है? इससे पहले माई कोठी योजना पूछी थी, अब यहाँ बीजहा कार्यक्रम पूछा। और छत्तीसगढ़ी लोक कला में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, इस तरह का प्रश्न पूछकर छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ व्याकरण का हिस्सा हुआ करता था साहित्य के बराबर, अब यहाँ साहित्य और भाषा से संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछे जाने लगे हैं। अब हम चलते हैं 2018 में, क्या इसी प्रश्नों को रिपीट किया गया? तो हमेशा की तरह सबसे पहला प्रश्न बना हुआ है 5 नंबर का, जहां निम्नलिखित शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखिए, यानी कि छत्तीसगढ़ी शब्द कोश में पशु पक्षी, खाने पीने की चीजें, शरीर के अंगों के नाम, कृषि औजार, हर प्रकार के तत्व जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कहीं से भी मिला जुलाकर छत्तीसगढ़ी के समानार्थी लिखने के लिए कहा है, जहां हिंदी में शब्द दिए हैं जिसका छत्तीसगढ़ी नाम लिखना है। बरगद को छत्तीसगढ़ी में बड़ कहते हैं, नीलकंठ को टेहर्रा कहते हैं, बहू को बहुरिया कहा जाता है, तरबूज को कलिंदर और चमगादड़ को चमगेदरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, इसका दूसरा पक्ष कि निम्नलिखित शब्दों के छत्तीसगढ़ी शब्दों का हिंदी समानार्थी यानी नवदसी किसे कहते हैं हिंदी में? तो वो कफन को कहा जाता है, झुनगा बरबट्टी के बीज को कहा जाता है, लेवना मक्खन को कहा जाता है, भिंदोल बड़े मेढक को कहा जाता है, कुसियार गन्ना को कहा जाता है। अब इसी तरह जहां अजार और अजर दिया हुआ था, वैसे ही यहां पर अब 2 शब्द दे दिए कि बरा और बरी, बड़ा और बड़ी, इस समुच्चारित शब्द के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बरा उड़द से बना हुआ पकवान है और बरी उड़द में मिलाया हुआ रखिया, मूली, जो भी सब्जी है उसकी धूप में सुखाकर बनी हुई छोटे आकार की बड़ी है जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। बड़ा आकार को कहते हैं और बड़ी इसी बरी का हिंदी स्वरूप है, ठीक है? छत्तीसगढ़ी में बरी कहते हैं तो हिंदी में उसे बड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ी पुरलिंग शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तन दिया है, साथ में यहाँ पर लिंग पहचानने के लिए कहा है कि संगवारी में कौन सा लिंग है, यानी यहाँ पर अब लिंग जो है वो 4 नंबर के हो गए, जहाँ लिंग परिवर्तन भी पूछा है और लिंग पहचानने भी कहा है। समासिक शब्द के प्रकार बताने कहा है। अब यहाँ चूंकि 2018 में जब पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया तो उसमें स्पष्टीकरण कर दिए गए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, विशेषण, लिंग, काल, कारक रचना के साथ उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, संधि को भी ऐड कर दिया गया छत्तीसगढ़ी में। समास तो पहले से बना हुआ था और इसके अंतर्गत अब यहाँ काल और क्रिया को विशेष स्पष्टीकरण के माध्यम से सिलेबस में दिखाया गया और इसी विकारी शब्दों में से 3 घंटा ले पानी बरसत है, इसमें कौन सा टेंस है पूछा। सीता पढ़ेगी, यह भी आपके काल से संबंधित प्रश्न है। पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की 2 भगिनियां कौन सी हैं? तो 2017 में पूछा गया था कि पूर्वी हिंदी की एक अन्य बोली या भाषा का नाम लिखिए, अब यहाँ पर सहभगिनियां कह रहा है, मतलब पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी के साथ अवधि और बघेली। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से सही थोड़े से रिपीट हो रहे हैं। गोठियाना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए, साथ में बैहा के चिन्हारी वाक्य में सर्वनामिक शब्द कौन सा है। इस तरह देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत जो प्रश्न है व्याकरण का एक हिस्सा माना गया और उसके अंतर्गत विकारी शब्दों को और अविकारी शब्दों को स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित हिंदी वाक्य का छत्तीसगढ़ी में लिखिए। अब देखिए 2018 में जब सारे सिलेबस के टॉपिक मेंशन किए गए तो वहां पर प्रशासनिक शब्द का नामो निशान नहीं था। 99% बच्चों ने यह सोचा कि छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द को हटा दिया गया है, लेकिन क्या आपने इस प्रश्न को पढ़ा? देखा जाए तो प्रशासनिक शब्दों को हटाया नहीं है,
प्रशासनिक शब्दों को यथावत बनाया है प्रश्न के तरीके को बदलकर। यहाँ हिंदी में सेंटेंस जो दिया हुआ है, इसी हिंदी के सेंटेंस में छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करते समय प्रशासनिक शब्दों की आवश्यकता होगी। जैसे हम पहले ही नियंत्रक से रिपोर्ट मंगा चुके हैं, मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए, पावती की अभी तक परामर्श है या पावती की अभी तक हमारे पावती की अभी तक उपेक्षा है, इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ प्रशासनिक शब्द है, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर पावती। पावती जो है हमारे लिए प्रशासनिक शब्द है, जो छत्तीसगढ़ी में पौती भी कहलाता है और छत्तीसगढ़ी में हम उसे पावती भी कहते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो पौती या पावती कहते हैं तो पावती के अभी तक इंतजार है कह सकते हैं, इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है। तो वापसी को हम लहूटती कहते हैं, तो एकर उत्तर लहूटती डाक ले भेजे जावत है कहेंगे। हम पहले ही नियंत्रक से रिपोर्ट मंगा चुके हैं, तो हमन पहली ही नियंत्रक ले रिपोर्ट मंगा चुके हन, यानी कि आपका टेंस भी काम आया, आपके प्रशासनिक शब्द भी काम आए। तो ध्यान रखेंगे कि प्रशासनिक शब्द को मेंशन नहीं किया है, परंतु जब वह आपको छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने के लिए कहता है तो उसके अंतर्गत वह प्रशासनिक शब्दों से संबंधित वाक्य में शब्द का इस्तेमाल जो है वो करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत प्रश्न का दायरा बदलते हुए 2017 से उसने उसका एक नया दायरा बनाना शुरू कर दिया, 2017 से उसने नवीन रूप को ढालना शुरू कर दिया, जो 2018 में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है कि 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 6वां प्रांतीय अधिवेशन या सम्मेलन किस साहित्यकार को समर्पित किया गया। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न जो है वह एक नया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रांतीय सम्मेलन होते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को समर्पित करते हुए उस अधिवेशन को सम्मेलन में किया जाता है। इस तरह यहाँ पूछा गया है कि बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का 6वां प्रांतीय सम्मेलन किसको समर्पित किया गया था, तो इस को समर्पित करने वाले किस साहित्यकार को समर्पित किया गया था उसका उत्तर वहां पर लिखना है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ी लघु कथा संग्रह करगा की लेखिका कौन है, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में काव्य अनुवाद किसने किया है और शिवायन के रचनाकार कौन है। यानी अब यहाँ पर आपको रचनाकार से संबंधित रचनाओं के अलावा उस की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसी साहित्य खंड से प्रश्न है कि कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ फिल्म के गीतकार का नाम क्या है, किन्हीं दो छत्तीसगढ़ी व्याकरणकर्ता के नाम लिखिए, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखक का नाम क्या है, बिन भाणी के अंगना किसने लिखा और सुरता के चंदन के रचयिता कौन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा 2016 के प्रश्न पत्र से 2017 में बदलता रहा और 2017 और 2018 में एक ही तरह का राजभाषा से संबंधित और छत्तीसगढ़ साहित्य में उसके अंदरूनी तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को पूछा गया था। अंतिम है, समन्वित साहित्यिक रेडियो पत्रिका मोर भुइया के बारे में लिखिए। तो नवीन पाठ्यक्रम में यह कहा गया छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा में रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान था, यानी उनका योगदान। तो आखिर समन्वित साहित्य रेडियो पत्रिका छत्तीसगढ़ के जो अंतर्गत मोर भुइया नामक पत्रिका है उसका संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना है और 8वीं अनुसूची में यदि छत्तीसगढ़ी को सम्मिलित कर दिया जाएगा तो क्या लाभ होंगे, तो यहाँ पर अपने विचार रखने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित 50 नंबर के प्रश्नों में जहां पहले व्याकरण पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता था, अब छत्तीसगढ़ी बोली भाषा,
छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ी साहित्य, रचनाएं और उसके आंतरिक तत्वों की विशेष परिचर्चा जो है की जाती है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, समास पहचानने के लिए आपको हमेशा से पूछा जाता रहा है, अब समोच्चारी शब्द भी उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 50 नंबर में आपके 20 से 22 नंबर जो है केवल व्याकरण पक्ष से ही प्राप्त हो जाते हैं, बशर्ते उतनी चीजों में वचन परिवर्तन के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम को जानना आपको आवश्यक है। समास का विग्रह अपने मन में कीजिए और उस समास के शब्द का हिंदी के समासिक शब्द से तुलना करते हुए नाम पहचानने की कोशिश कीजिए। जब वह कहता नहीं है कि विग्रह कीजिए तो बेवजह वहां समास विग्रह करने की कोशिश मत कीजिएगा। रही बात प्रशासनिक शब्द, आपको याद में रखने ही हैं, उसे सिलेबस से हटाया नहीं गया है, लेकिन राजभाषा आयोग के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं, राजभाषा से संबंधित जो भी बोली भाषा से रिलेटेड शासन के द्वारा कार्य किए जाते हैं, चाहे वह समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से हो, दूरदर्शन के माध्यम से हो, आकाशवाणी हो, सिनेमा जगत हो, लोक कला संस्कृति और साहित्य के संबंध को दर्शाते हुए जो नए प्रभाव समाज में देखने को मिलते हैं, उन सब की जानकारी आपको रखना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का दायरा जो कभी प्रश्न में हुआ करता था, अब वो चीजें बदल रही हैं। दो तरह के प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं कि खूबचंद बघेल के एक नाटक का नाम लिखिए, या इसका ही दूसरा पक्ष हो सकता है कि करम छड़ाहा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये 10 नंबर की छत्तीसगढ़ी और 5 नंबर की हिंदी में अपना स्थान बनाता है। तो ध्यान रखेंगे कि एक ही टॉपिक से हिंदी और छत्तीसगढ़ी के 150 में आप ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि समास में प्राप्त कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्यकार में प्राप्त कर सकते हैं, और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी में 50 नंबर की इस प्रश्न पत्र में आपने ये पाया कि 2016 हो, 17 हो या 18 हो, व्याकरण में से 3-4 टॉपिक हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, समास, ये आपको हमेशा पूछे गए हैं, साथ में समोच्चारित शब्द के साथ में। ये 5 जो आपके टॉपिक हैं, इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको गणित की तरह अंक दे सकते हैं। बाकी साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य, लोक कला और संस्कृति, ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, और इस समझने के साथ छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में विद्यासागर की उपाधि किसे दी गई है, किसे पद्मश्री दिया गया है, किसे हम छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहते हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार में तुलसीदास की उपाधि किसे दी गई, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि अब प्रश्न का एक नवीनीकरण के माध्यम से राजभाषा आयोग के साथ साहित्य के प्रश्न भी आपके बदलने लगे हैं। तो कोशिश कीजिएगा छत्तीसगढ़ ही भाषा को सरल रूप में समझने का। यदि छत्तीसगढ़ी भाषा कठिन लगती है तो व्याकरण पक्ष को याद कीजिए और साहित्य खंड को समझिए, और कहीं ना कहीं यह हिस्सा आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में भी पढ़ते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी कठिनाई हमको होनी चाहिए। तो 3 साल के प्रश्न पत्र 2016, 17 और 18 के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रही हूँ, तो पूरे प्रश्नों में आपको मैंने सिर्फ पढ़कर समझाया है कि इसके अंतर्गत उसे क्या लिखना है। पूरा उत्तर लिखने की अगर आपको जगह है तो वहां पर पूरा उत्तर लिखिए, यदि जगह नहीं है तो आप वहां पर एक डैश लगाकर उसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर जगह दिया है तो पूरे स्पष्टीकरण से लिखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं किन्हीं 2 छत्तीसगढ़ी व्याकरणकारों के नाम बताइए, तो नरेंद्र देव वर्मा, शंकर शेष,
छत्तीसगढ़ के व्याकरणकारों में शीर्ष लेखक माने जाते हैं इस तरह, या फिर आप से केवल लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ के दो व्याकरणिक नरेंद्र देव वर्मा और शंकर शेष हैं। ठीक है, सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह के रचयिता का नाम हरि ठाकुर है, ऐसा लिख सकते हैं, या तो सुरता के चंदन और डैश करके हरि ठाकुर लिख सकते हैं। बाकी जो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर है, जैसे कि आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को सम्मिलित करने में क्या क्या लाभ होंगे, तो आपके वो विचार होने चाहिए कि एक तो पहली बात कि आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाने पर इसे राजभाषा के दर्जा जो दिया गया है वो उत्कृष्ट होगा और इसे राजभाषा के तौर पर छत्तीसगढ़ शासन के हर प्रशासनिक कार्यालयों में स्थान मिलेगा। और साथ में इसमें आपके और समझ क्या कहती ये मेंशन कर सकते हैं और मोर भुइयां के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कि छत्तीसगढ़ ही भाषा को साहित्य के क्षेत्र से प्रशासनिक शब्द के प्रयोग से प्रभावी मानते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर एक क्षेत्र विशेष में इसके योगदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ी की रेडियो पत्रिका में मोर भुइयां में छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक विश्लेषण किस अंक के आधार पर, दो अंक के आधार पर आपको लिखने होंगे। तो मेरी ये कोशिश कि छत्तीसगढ़ी भाषा में ध्यान रखा जाए, जब तक आपको छत्तीसगढ़ी के शब्द मालूम है, चाहे वो उपसर्ग के हों, चाहे प्रत्यय के हों, चाहे वो लिंग परिवर्तन हो, चाहे वो वचन परिवर्तन हो, चाहे सामासिक शब्द हो, चाहे छत्तीसगढ़ी शब्द कोश या प्रशासनिक शब्द हो, ध्यान रखेंगे बेटा, जब तक छत्तीसगढ़ी के शब्द अवेलेबल हैं हमारे पास, तब तक हम केवल छत्तीसगढ़ी के शब्दों को मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ ही भाषा का है ना। और यदि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन यह मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर इसका अपभ्रंशित स्वरूप प्रयोग किया जाता है, तब आप वहां पर चीजें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ी के शब्द मालूम है, आप छत्तीसगढ़ी में ही इसके उत्तर को लिखें। यहां दूसरी बात क्लियर कर दूं कि यहां जो प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आपको छत्तीसगढ़ी में लिखना नहीं है कि छत्तीसगढ़ी के आठवीं अनुसूची में शामिल करे में ऐसा ऐसा फायदा हो ही, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसका उत्तर हिंदी में देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि यदि कह रहा है कि समन्वित साहित्य रेडियो पत्रिका मोर भुइया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसका उत्तर आपको हिंदी भाषा में देना है, छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं देना है। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो व्याकरणिक पक्ष है ना, उसके उत्तरों को लिखना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब तक सीजीपीएससी खुद नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पत्रों को छत्तीसगढ़ी में हल कीजिए, तब तक व्याकरण को छोड़कर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप हिंदी भाषा में ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह 2016, 2017 और 2018 में पूछे गए व्याकरणिक के साथ साथ साहित्य खंड से किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा जो 150 अंक के होते हैं, इसका 3 वर्ष का प्रश्न पत्र का विश्लेषण जो है वो समझाया। यहाँ भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको उन प्रश्न पत्रों को समझाने में मैं सफल हुई और इस मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा को भी हल करने की कोशिश कीजिए। जब हम कभी कभी टेस्ट सीरीज के पेपर चेक करते तो हम ये पाते हैं कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो है वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को 50 नंबर के पत्र को पूरा कोरा छोड़ देता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। साहित्यकारों का हिस्सा जो है उसे भी कोरा छोड़ देता है, न केवल छत्तीसगढ़ी में हिंदी में। बेटा यहाँ एक एक नंबर करके आपको 20 से 25 नंबर दिए जा सकते केवल व्याकरण खंड से, तो कोशिश करने में क्या जाता है। तो कोशिश करें कि आपके व्याकरण पक्ष मजबूत हो और व्याकरणिक पक्षों पर कम से कम आप अंक प्राप्त कर सके, इसलिए बिल्कुल भी पेपर को ब्लैंक ना छोड़ें, अनावश्यक ना लिखें, लेकिन जहां जानकारी है वहां उत्तर लिखने की आवश्यकता के अनुसार कोशिश जरूर कीजिए। और इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे सभी बच्चों को थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।